हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आप लोगों को फिर से एक बार बीसी सेंटर का नाम सुनने को मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों जब तैयारी करते थे तो बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों का बहुत दिन से हम आप लोगों से नहीं मिले थे, नहीं बात किए थे, ठीक है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद जो आप लोगों ने हमसे जुड़ा रहा इतना सेमेस्टर वन से लेकर के सिक्स तक। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की ओर से परीक्षा से संबंधित कुछ आवश्यक सूचना है सेमेस्टर टू यानी 19 से 22 वालों सेशन यानी हम ही लोगों का, ठीक है ना। तो सेमेस्टर टू का बात चल रहा है, सोच लो भाई, हम लोग का सेमेस्टर सिक्स कंप्लीट हो गया और सेमेस्टर टू का बात फिर से कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर ये प्रॉब्लम होगा कि ये चीज़ें है किसका नोटिस, क्या सभी को एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा सेमेस्टर टू का या नहीं, क्योंकि सेमेस्टर टू में सभी को प्रमोट कर दिया गया होगा, ये सभी पक्को पता है, ठीक है, बिना एग्ज़ाम दिए हुए। तो क्या उसका एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा या किसको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, हम सब कुछ बताएंगे आपको। और इसका मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि मैंने सर के पास कॉल किया, कहाँ पर, VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, सर के पास मैंने कॉल किया, उसने जो मेरे को बताया वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मैं जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिना सोचे समझे नहीं देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नोटिस क्या है इस पर मैं जिक्र करता हूँ। यहाँ पे लिखा गया विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना, इदद द्वारा स्नातक सेमेस्टर टू जिसका सेशन 19 से 22 वालों है, ठीक है, जो कम्प्लीट हो चुका है, परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि UGC के दिशा निर्देश के आलोक में आंतरिक परीक्षा के अंक के आधार पर परीक्षाफल प्रकाशित किया गया था। मतलब जो सेमेस्टर टू के हैं 19 से 22 वालों सेशन का, तो जब उन लोगों का सेमेस्टर टू का रिजल्ट आया था ना, उस टाइम बिना एग्जाम दिए हुए उन लोगों को आंतरित परीक्षा, आंतरिक मतलब जो हम लोग कॉलेज में इंटरनल एग्जाम नहीं दिए थे स्टिक फाइल में, है ना, असाइनमेंट बना करके जमा किए थे, तो उसी के आधार पर बिना फाइनल एग्जाम लिए हुए उसी के आधार पर हम लोग को प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है, सबको। तो वही बोल रहा है कि बिना एग्जाम दिए उस टाइम तो सबको पास कर दिया। तो आगे बोल रहा है कि इनमें से निम्नलिखित विषय के परीक्षार्थियों का परीक्षा फल तकनीकी कारणों से प्रमोटेड की जगह पास अंकित हो गया था। अब देखिए, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गया था, कुछ कंप्यूटर प्रॉब्लम हो गया था, जिसके वजह से उसको क्या करना चाहिए था, वहाँ पे प्रमोटेड लिखना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे लिखा गया पास, ठीक है, जो प्रमोटेड थे उसके जगह पे क्या लिखा गया, पास लिखा गया, ठीक है। अब ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए एक विशेष परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा, मतलब ऐसे में सभी विद्यार्थियों के लिए एक विशेष परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा, ठीक है। हम सब कुछ बताएंगे, मैं समझ रहा हूँ कि आपके मन में अभी क्या चल रहा होगा, सो कि मेरे लिए भी है या नहीं और कैसे पता करें, ठीक है, सब कुछ बताऊँगा। देखो, परीक्षा अगर होगा भी तो कहाँ पे होगा, तो ये इधर कहीं लोकल में नहीं होने वाला, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ ही होंगे, KB महिला कॉलेज हजारीबाग सीधा, ठीक है। समय रहेगा 3 घंटा का, 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, ठीक है। डेट ऑफ एग्जाम 28/11/2022 को होगा, कोर नंबर 3, क्योंकि सेमेस्टर टू में कोर 3 और कोर 4 दो ही पेपर होते हैं, ठीक है, तो सिर्फ ऑनर्स का। अब सब्जेक्ट किसका, ज्योग्राफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब चीज़ों का होगा 28 को कोर 3, फिर 29 को भी होगा 2 को, ठीक है, यानी कोर 3 और कोर 4, 1 28 को और 1 29 का। अब देखिए, यहाँ पे ये हो गया, इसका थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम हमारा है तो हम क्या चीज़ें लेकर के जाएंगे। तो परीक्षार्थियों को क्या लेना लेकर के जाना पड़ेगा, UG सेमेस्टर 2 19/22 का प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड है। अगर सपोज करो एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड किए थे तो ठीक है, नहीं किए थे तो आपको आपको कॉलेज से पता करना, कॉलेज में आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड ले लेना, ठीक है। उसके बाद UG सेमेस्टर 2 का 19/22 का मूल अंक, जो आपको मार्कशीट था, सेमेस्टर 2 वाला मार्कशीट तो मिल गया होगा पास, क्योंकि तकनीकी के कारण से आपका रिजल्ट में तो पास आ गया, कॉलेज भी आपको दे दिया गया होगा, तो वो आपका कोई काम का नहीं है। तो वो आपको मार्कशीट जो सेमेस्टर 2 का मिला है जिसमें पास कर दिया गया, वो आपको यूनिवर्सिटी वहीं पर यानी जहाँ पर ये आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे, जो कॉलेज का नाम यहाँ पर बताया गया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं KB महिला कॉलेज हजारीबाग, तो वो मार्कशीट आपको वहाँ पर जमा कर देना है, कि जमा कर देना, उसके बाद आपको रोल नंबर लिख लेगा कि हाँ ये स्टूडेंट्स ने मार्कशीट को जमा कर दिया। फिर आपको एग्ज़ाम हॉल जाना है अपना मार्क्स ये एडमिट कार्ड लेकर के और एग्ज़ाम दे देना है, ठीक है। तो आपका फिर वो फाइनल रिजल्ट तब आपको माना जाएगा कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है, उसके बाद, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया। अब देखिए, नोटिस जो है वो 21 तारीख को निकला, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी के लिए है या सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के लिए है? तो देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि बातें क्या है।
तो देखो ये है कॉल रिकॉर्डिंग, आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे सेव करके रखा है नंबर VVU सर, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सर हैं, उसका मैं नंबर सेव किया हूँ। ये आज ही मैंने बात किया, यहाँ पे देख सकते हैं 22/11/2022 का है, अभी मैंने कुछ देर पहले वीडियो बनाने से कुछ देर पहले मैंने कॉल किए थे, ठीक है, जब मैंने देखा कि नोटिस आया हुआ था। हमें भी समझ में नहीं आया कि कितने स्टूडेंट्स जाएंगे एग्जाम देने के लिए, सभी जाएंगे या कुछ स्टूडेंट जाएंगे, तो मैंने कॉल किया। तो सबसे पहले आप समझाते हैं, कॉल वाला सुन लो, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ कि आपको क्या करना है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, हम जय कॉलेज जमुनी लीडर बोल रहे हैं सर। हम बोलिए सर, बोल रहे थे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर 2 वालों को नोटिस निकला है कि एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। हाँ जी, तो सर उन सभी को देना पड़ेगा या जिसका एनसीएल या फॉर्मेटर लग गया उसका सिर्फ? देखिए देखा होगा ना, अब कॉलेज आपको इन्फॉर्म कर देगा उसके लिए। अच्छा जी सर, कॉलेज नोटिस निकाल देगा ना? हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आप लोगों ने सुन लिया कॉल रिकॉर्डिंग, हमने बोला सर VVU सेमेस्टर 2 वालों का कुछ नोटिस निकला हुआ तो सभी को एग्जाम देना पड़ेगा, या तो फिर कुछ स्टूडेंट्स का जिसका रिजल्ट में प्रमोटेड या एनसीएल लगा है। तो इसने साफ कहा कि यहाँ से नोटिस तो निकल चुका है, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को जानकारी कॉलेज में नोटिस आ जाएगा, क्लियर वहाँ पर लिखा रहेगा कि कौन सा स्टूडेंट्स को जाना है या नहीं जाना है। तो एग्ज़ाम जो है वो 28 से स्टार्ट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 28-27 तारीख से पहले आपको कॉलेज में नोटिस छप जाएगा, वहाँ पे जाकर के देख लेना है। अगर नहीं छपता है तो कॉलेज के टीचर से आपको पूछ लेना कि एग्ज़ाम फिर से होगा या नहीं, मतलब वहाँ से कोई क्लियर बात नहीं निकल रहा है, तो आपको कॉलेज में नोटिस चिपक जाएगा, ठीक है, कि क्या करना है, कितने कौन सा स्टूडेंट को जाना है नहीं जाना है, सो ठीक है। फिर बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे कि हमारे कॉलेज में ऐसा ऐसा नोटिस निकला, वहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा है, कॉलेज में नोटिस निकलेगा अगर वहाँ से समझ आएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।